हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ऐसे तीन शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके, जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी और आपको कहा था कि इन शेयर्स को खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और आज वो शेयर्स बढ़ चुके हैं और बहुत तेज़, मतलब 5-5, 10-10% भागे हैं और काफ़ी टाइम से भागते आ रहे हैं। तो उनमें से एक शेयर तो काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो एक बार रिवीजन और आपको बताना चाहूँगा विद प्रूफ कि मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई थी, आप उसे देखिए। मैंने कहा भी था कि SIP करिए, जैसे जितनी डिप में मिलते जाए उतने SIP करिए, आगे चल के फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा इस वीडियो को देख के, तो डेफिनेटली उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं ICICI बैंक की। देखिए, ICICI बैंक आज भी 22 पॉइंट की जंप है, मतलब लगभग 5%। ओके, कल के डेट में भी देखेंगे तो कल की डेट में भी ये लगभग इतना ही 20 एक जंप थी इसी 20 एक पॉइंट्स की। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 डे का पॉजिटिव रिटर्न्स है, 1 मंथ का पॉजिटिव रिटर्न्स है, 6 मंथ का पॉजिटिव रिटर्न्स है, और मैक्सिमम की भी बात की जाए तो मैक्सिमम भी देखिए अभी भी ये अपना 552, जैसे कि यहाँ पर 52 भी खाई दे रखा है, 552 का, तो इससे अभी भी कितना लगभग थोड़ा बहुत नीचे है, माने 70 रुपये के आसपास थोड़ा सा नीचे है। तो थोड़ा सा इसके शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो आइए, मैंने कब बताया था और कितने रुपए में बताया था वो भी देख लेते हैं। देखिए ICICI बैंक, कितने 5 अक्टूबर को, मतलब एक महीने पहले लगभग 56 लोगों ने देखा था। मेरा अभी नया न्यू चैनल है तो लोग ज़्यादा देखते नहीं है, तो इस वजह से तो बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, मैंने बताया था मल्टी बैगर रिटर्न्स, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उतारते रहो, SIP करें। कौन सा बैंक? ICICI बैंक। तो मैंने साफ लिखा था, और उस टाइम कितना रेट चल रहा था, 373, मतलब एक महीने के अंदर अंदर ये शेयर 100 रुपये से भी ज़्यादा, लगभग 111 रुपये बढ़ चुका है, 111 रुपये भाग चुका है। अगर आपने थोड़ी सी भी क्वांटिटी उठाई होती तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट, और जिसने उठाया होगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट उनको आज की डेट में मिल रहा होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये शेयर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब भी बताया था कि वर्ल्ड के दूसरे नंबर का ये शेयर है जो सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। तब एक जब मैंने वीडियो बनाई थी तो एक ने कमेंट भी किया था, शायद यहीं पर ही होगा, यहाँ पर कमेंट किया था, भाई ज़रूरी तो नहीं कि जो एक बार हो वही बार बार हो, टाइम बदल रहा है, लोग अवेयर हो चुके हैं और लोगों को सारा गेम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये भाई ने बोला था, मैंने उसे रिप्लाई भी दिया था तब, तो मैंने उसे क्या रिप्लाई दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, पहली बात तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और मैंने उसे बताया था कि 2007 और 8 में जब ये मंदी आई थी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब ये शेयर देखिए 217 रुपये पे चल रहा था और लगभग 50 रुपीज़ से भी नीचे आ गया था, और 50 रुपीज़ से नीचे आ गया था लोगों ने ख़रीदा था, और फिर देखिए अभी लगभग 552 तक आया था। बीच में आई थिंक स्प्लिट वगैरह भी हुआ था, कुछ हुआ होगा तो ऊपर वीडियो आई बटन पे ये वाली मैं दे दूंगा, तो मैंने इसमें सब कुछ शायद बता रखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रखा है। तो वही मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, ये वो शेयर है, जो आपको मल्टी बैगर बना के दिखाएंगे, और आने वाले टाइम में ये 484 नहीं, और मैक्सिमम जो इसका 552 दे रखा है ना, ये तो शायद कुछ टाइम में तोड़ दे, और आने वाले टाइम में ये शेयर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा क्रॉस होने वाला है। टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बढ़ जाएगा, आज बोल दिया तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, बट आने वाले टाइम में ये आपको जैसे ही बता रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। ये HDFC की बराबरी और टक्कर का स्टॉक है, तो इसलिए इसकी तरफ आप नज़र बना के रखिए, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, और अपना जो इसका 52 वीक हाई था उसके लगभग करीबी है, तो इसकी तरफ आप नज़र बना के रखिए। अगर ये शेयर देखिए, अगर ये गिरता भी है, तो अगर किसी ने हाई लेवल पर ख़रीदा होगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कैरी ऑन करिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और अगर आपको गिरने पर मिलता है तो एवरेज करते रहिए, SIP करते रहिए। SIP कैसे करते हैं ऊपर आपको बता दूंगा मैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैंने बताया था उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगी इस ICICI बैंक की। इसके अलावा एक दूसरा शेयर है जो कि आज देखिए
लगभग 9%, 8.93%, 345 रुपीज़ की यहाँ पर जंप सीधी देखी गई है। ओके, 5 डेज से भागता रहा है, भागता रहा है, भागता रहा है। 1 मंथ का भी ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 3100-3200 रुपये पे चल रहा है। और तब भी मैंने ये शेयर बताया था, काफ़ी बार इसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, मैंने कहा था कि उठाइए इस शेयर को, ये वो शेयर्स है जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो देखिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर देखिए 44 लोगों ने देखा था 21 सितंबर। ओके, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में ही मतलब 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 3321, और इसके बाद ये नीचे गिरा भी था, इसके बाद ये नीचे गिरा था और लगभग 3100 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था। ओके, तब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक, और मैंने आपको बताया भी था कि ये शेयर को खरीदिए 1-1.5 महीने पहले, तो आपने अगर ख़रीदा होता तो अच्छे, जिसने भी ख़रीदा भी होगा तो उसे अच्छे रिटर्न आज के डेट में मिल रहे होंगे। ये बी टू, ये बजाज फाइनेंस का ऐसा शेयर है जो कि आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो शेयर है जो लगभग 5000 के करीब चल रहा था, 4900, इसका 52 वीक हाई भी देखे तो 4923 रुपीज़, और के और आज की डेट में 4210, मतलब 700 रुपये के आसपास ही नीचे है, और ये बहुत जल्दी इस लेवल को क्रॉस कर देगा और उसके बाद इसे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना। ओके, लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल, लार्ज कैप कंपनी है। ओके, बिना फाइनेंस के, बिना बैंकिंग के, ओके, कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती, तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये बहुत बेहतरीन शेयर है, इसे उठाते रहिए। मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनाई थी, फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, बटन पर वीडियोज दे दूंगा। ओके, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर है क्या एग्जैक्टली। इसके अलावा एक दूसरा शेयर हो रहा है, इसी का बापू कह देंगे, फादर कह देंगे, ओके, पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व। आज के दिन लगभग 5.96% की, लगभग 374.65% का यहाँ पर जब ये मैंने बीच में 2-3 बार इस पर वीडियोज़ बनाई है जहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, 6000 रुपये था, तब भी मैंने बताया था लगभग 5600 रुपये पे अभी 3-4 दिन पहले चल रहा था, 67 लोगों ने देखा था। देखिए बजाज फिनसर्व फंडामेंटल एनालिसिस, और टारगेट भी मैंने बताया था 10,000 रुपीज़। क्यों बताया था 10,000, उसके रीज़न भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए लगभग 6658 रुपये पे चल रहा है। ओके, गिरावट हो सकती है, नो डाउट। ओके, अभी से 5700 पे कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले चल रहा था, और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर 10,000 का टारगेट है, क्योंकि ये 10,000 से ही रिटर्न होके आया था, 9800 अगर 52 वीक हाई तो 9950 रुपीज़ का इसके 52 वीक हाई है, तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये वो शेयर है। ओके, रिजल्ट डेफिनेटली थोड़े अच्छे नहीं आए थे क्योंकि सभी बैंकिंग में प्रॉब्लम थी, बट अब सारे स्टॉक जहाँ पर भाग चुके हैं वहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि भागना शुरू हुए हैं, और अभी इनका ये रुकने वाला नहीं है, ये डेफिनेटली आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न आज तक देते आया है और आगे भी आपको देता आएगा। अभी भी अगर हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, ओके, अगर अभी भी देखें तो लगभग 31% अभी भी नीचे, 31% का प्रॉफिट आप आज भी कमा सकते हैं, और बट ये मत करिएगा कि आज खरीद लिया तो आप ये गिरावट होगी तो आप कहे कि ब्लेम करना शुरू कर दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी आपको, और आपको बताना चाहता हूँ बट ये फ्यूचर में, ओके, ये फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है। इंश्योरेंस एज वेल एज बजाज फाइनेंस दोनों का काम ये करता है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंस सर्विसेज। ओके, तो ये बजाज फाइनेंस का सब्सिडरी कंपनीज है इसकी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, बजाज एलायंस, तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसकी तरफ ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ओके, आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि क्यों 10,000 का आपको टारगेट दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बी टू का शेयर एज वेल एज ICICI बैंक, ये आने वाले टाइम में काफ़ी भागने वाले हैं, बिना बैंकिंग, बिना फाइनेंस के, ओके, कोई भी इकनॉमी नहीं चलने वाली, और ये वो शेयर हैं जो गिर के उठना जानते हैं। यहाँ पर आप हिस्ट्री से जान सकते हैं, हिस्ट्री बताती है कि ये कोई भी शेयर कितना दमदार हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये शेयर है, ओके, गिरा है कितना, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से गिरा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही गिरा है, बहुत अच्छे अच्छे परसेंट, लग 60% गिरा था, बट देखिए ना फिर क्या रिटर्न दिए, तो मल्टी बैगर रिटर्न ये कंपनी देना जानती है, ये बैंक्स देना चाहती है, फाइनेंस सर्विसेज देना चाहती है, जानती है, तो इसलिए आप ये ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। गिरावट में मिलते हैं, जितनी गिरावट में मिलते हैं डरिए डरिएगा मत, बाय ऑन डिप्स करके लगातार खरीदते रहिए, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।